तो वीडियो शुरू होने से पहले एक बार आपको सब कुछ बता देता हूँ मैं कि ये जो बाइक थी वो सेकेंड हैंड है, जो कि हमने परचेस की है और इसके अंदर बहुत कुछ काम भी हमने किया हुआ है। और ये वीडियो एंड तक आप देखना, कार्बोरेटर के टॉपिक के ऊपर वीडियो है। और जो हमने इसके अंदर एक स्लाइड का रबर चेंज किया था, जो कि सब लोग कोई स्लाइड बोलता है, कोई वैक्यूम पिस्टन, कोई कंप्रेशन पिस्टन, या फिर बहुत कुछ नाम है, कोई बटरफ्लाई, कोई स्लाइड, कोई शेटर, तो इस तरीके से उसके नाम को पुकारते हैं, जो कि कार्बोरेटर के अंदर की स्लाइड रहती है उसके लिए। तो उसके हमने रबर चेंज किया, तो जो कि पहले फटा हुआ था, बाद में हमने वो ऑफ द कैमरा चेंज कर दिया था रबर। सो ये वीडियो एंड तक देखना आप, इसके अंदर बहुत कुछ है। और कैसे करते हैं जेट को, कैसे क्लीन करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं, वो भी है मैंने इसके अंदर वीडियो में बताया हुआ है। और स्लाइड को भी कैसे चेक करते हैं और रबर को भी, तो एंड तक वीडियो देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करना, पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो चालू होने से पहले सब्सक्राइब करो, फिर शुरू करते हैं अपन। चलो सबसे पहले आपको पेट्रोल कॉक ऑफ कर लेना है, जो कि ऑफ है अभी। और राइट साइड का जो पैनल है इसे हमें ओपन कर लेना है, तो ये वाला स्क्रू और ये वाला, और इधर भी रहता है पर यहाँ पे टूट टूट गया है, तो अभी ये पैनल खोल लेता हूँ मैं। चलिए अभी पैनल ओपन हो गया। कार्बोरेटर ओपन करने के लिए हमें ये जो क्लैम्प की जो स्क्रू है इसे ओपन कर लेना है, तो क्लैम्प को लूज कर लेंगे, यह वाली क्लैम्प इसको भी लूज करना है हमें, ये वाली क्लैम्प को आप देख सकते हो। थ्रॉटल केबल को भी ओपन कर लेंगे, पाइप को खोल लेना है। इसे इसके पीछे और एक पाइप है जो कि पेट्रोल लाइन का है, और इसका जो कपलर है ऊपर है, तो अभी ब्लू कलर का आप देख सकते हो, तो इसे भी ओपन कर लेना है। तो चलिए फिर अभी ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमें चोक केबल ओपन कर लेनी है, जो कि चोक केबल है। निकल गई, यहां से कपड़ों को ओपन कर लेंगे। अभी हमारा कार्बोरेटर निकल गया है, तो अभी हम कार्बोरेटर को ओपन करेंगे। तो आपको भी इस टाइप का बर्तन ले लेना है और नीचे पेपर बिछा दो, गंदगी ना फैले इसके लिए। तो सो अभी इसे ओपन करेंगे। तो अभी सारा सब कुछ ओपन होने के बाद जो मिक्सर स्क्रू है इसे ओपन करना है। स्प्रिंग और जो इसके अंदर के रबर है इसे बाहर निकाल लेनी है, जो कि ये वाली रही, इसे साइड में रख देंगे। तो अभी सारा सब कुछ ओपन हो गया है। ये दो ओरिंग, एक रबर रिंग है और एक जो है वो क्रश वाइसर जैसे है मेटल की, या फिर आप एल्यूमिनियम की भी बोल सकते हो। और रबर इसे आप प्लीज पेट्रोल में मत भिगाओ, नहीं तो ये रबर फूल जाएगी। तो अभी इसमें पेट्रोल निकालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे।
तो अभी हमने एक बार वॉश कर लिया और एक बार वॉश करेंगे वो भी दूसरे वाले पेट्रोल से। तो ये मैंने दूसरे वाले पेट्रोल ले लिया और जो पुराना वाला पेट्रोल था उसे बाजू में रख दिया, मतलब निकाल के रख दिया बाजू में। तो अभी इसे फिर से वॉश करेंगे इससे। तो अभी सबसे पहले आपको जब कार्बोरेटर वॉश कर लेंगे, तो अगर आपकी बाइक में पिकअप नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको रबर चेक करना है, और जो कि इसको भी, इसके सारे जो होल्स है वो फ्री होने चाहिए, और ये वाले जेट के भी, दोनों भी जो जेट है इसे आप अच्छे तरीके से चेक कर लो। जितने भी सारे होल्स है वो फ्री होने चाहिए, जो कि इसके अंदर से भी होल है वो भी, और जो बारीक बारीक होल से इसे भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लो। या फिर आप देख भी सकते हो इस करके कि ये खराब है, ब्लॉक है, क्या क्या है, ठीक है। और फिर अभी हमें रबर कैसे चेक करते वो भी आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो अभी ये स्लाइड देख सकते हो, ये जो स्लाइड है इसे कोई स्लाइड भी बोलता है, कोई शटर बोलता है, कोई कॉम्प्रेशन पिस्टन बोलता है, तो कोई बटरफ्लाई भी। तो जो स्लाइड की जो रबर है इसे हम खींच के चेक करेंगे कहीं से फटी ही है या नहीं। तो ये अच्छी है, फटी हुई नहीं। अगर ये फटी हुई है तो इस रबर को आपको चेंज करना होगा, 50 या 100 में आ जाएगा और फिर आपकी बाइक में पिकअप आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसे इंस्टॉल करेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से। चलिए, और आपको ये रबर भी चेक कर लेने, जो कि फ्लूट वॉल है, इसे आप चेक कर लो कि ये रबर स्मूद है, दब रही है या नहीं। अगर ये रबर दबती नहीं है तो आपको इसे भी चेंज कर लेना है, जो कि इसे फ्लूट वॉल बोलते हैं। तो आप इसे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी कंप्यूटर अच्छे तरीके से असेंबल हो गया है, सब कुछ इसके जो स्पेयर पार्ट हमने निकाले थे वो सब कुछ अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर दिए। तो अभी बारी है मिक्सचर स्क्रू को इंस्टॉल करने की। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर स्क्रू है इस तरह से इसे स्प्रिंग लगा देंगे। फोकस नहीं हो रहा है, ये जो स्प्रिंग है इस तरह से लगा देंगे, और फिर जो वाइसर है, ये जो कॉपर वाइसर है, फिर हम इसे इसे लगा देंगे, कॉपर नहीं सॉरी एल्यूमिनियम का वाइसर, और फिर इसके ऊपर रबर, रबर जो एल्यूमिनियम का वाइसर है वो, और फिर इसके ऊपर स्प्रिंग, इस तरह से ये लगता है, और फिर हम इसके अंदर है डाल देंगे। तो अभी कार्बोरेटर का जो मिक्सर स्क्रू है वो भी बैठ गया, वो भी फुल टाइट हो गया है। फुल टाइट मतलब जितना हैंड टाइट हो सकता है उतना, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है इसे, नहीं तो टूट भी सकता है। तो अभी एवरेज सेट करने के लिए हमें इसे 1, 2, 3 और 3.5 टन्स लेना है। तो आप क्या 40 या 45 तक
40-45 तक आपको एवरेज मिल सकता है इस एवरेज सेट करके। कार्बोरेटर कैसे चेक करते हो वो भी आपको दिखाया है, अगर आपने स्किप किया तो प्लीज़ आप पीछे जाके फिर से देख लो कि मैंने क्या क्या चेक किया है। तो जो कि शटर है, कंप्रेशन पिस्टन या फिर स्लाइड जो बोलते हैं आप, और हर एक मैकेनिक जो अलग अलग बोलता है, तो वो भी वो कैसे चेक करना है, और जो जेट से वो से कैसे चेक करना है, जेट के सारे होल फ्री रहने चाहिए। ठीक, अभी कार्बोरेटर को इंस्टॉल करते हैं, वीडियो स्किप मत करना, बार बार बता रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करें। तो अभी पूरा फाइनली हमारा काम हो गया है, बस एक काम बाकी रह गया, वो जो है कि हमें पेट्रोल पाइप लगाना है। तो अभी पाइप भी लग गया, तो पेट्रोल को हम ऑन कर देंगे। तो अभी आपको मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो चोक भी ऑफ है और इंजन भी बिल्कुल ठंडा है। जैसे मैं अभी हाथ लगा रहा हूँ इंजन को, आप देख सकते हो पकड़ के रखा हूँ, एकदम कूल इंजन है। और अभी आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। एकदम स्टेबल है, सो अभी बाइक का पूरा काम हो गया है। जैसे आप देख सकते हो कार्बोरेटर अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है, सेटिंग हो गई एकदम प्रॉपर। और आपको भी इसी सेटिंग में करना है तो आप रख सकते हो 3.5 टन्स को, मिक्सर स्क्रू को, मिक्सर स्क्रू को आप 3.5 को रख सकते हो, 3.5 टन्स। तो वो हो गया है और गाड़ी बाइक एकदम स्टेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और प्लीज़ अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो प्लीज़ एक बार फिर से जाके देख लो, स्किप मत करना, क्योंकि कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको उस दौरान पता चल जाएगी। क्योंकि सेकेंड हैंड बाइक है, इसके कुछ नट अधूरे हैं, कुछ हमने लगाए हैं और कुछ नहीं हुए, कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है। सो इसके अंदर हमने बहुत कुछ काम किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।